बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जी। तो दोस्तों, आज की जो तफसीलन नोटिस हमें मिला है वो सारा क्या है तफसील, आज की जो जितनी भी कार्रवाई थी हफीज साद हुसैन रिजवी के साथ और अदालत में जो कुछ हुआ वो सारा तफसीलन एंड पे जो आखिरी पॉइंट निकला है वो क्या है कि हफीज साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई आज क्यों ना आई। जिस तरह कि आपको पहले भी कहा था कि आज रिहाई नहीं होगी, कल इंशाल्लाह ताला हफीज साद साहब रिहा हो जाएंगे, तो रिहाई आज क्यों ना आई। बकौल अदालत उन्होंने कहा कि टाइम शार्ट होने की वजह से आज हफीज साद हुसैन रिजवी साहब की जो कार्रवाई है रिहाई की उस पर हम कम्प्लीटली काम नहीं कर सके। तो अभी ये टाइम शार्ट की क्या वजह है ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। मैं अपनी राय तो मैं हर वीडियो में देता ही हूँ, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप बताएंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला तफसीलन एक वीडियो बनेगी, उसमें हमें हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। अभी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।